हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आयर्स। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज में, जिसे मैं प्रसन्ना वर्मा एक्सप्लेन कर रही हूँ इनविजन आईएएस के नोट्स को। और आज हम कहानी को आगे बढ़ाते हुए वर्ल्ड फ्रॉम 1919 से 1923 तक जो भी रहा उसे डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों शुरुआत करेंगे टर्किश नेशनलिज्म से। दोस्तों टर्की जो था वो नाखुश था इस ट्रीटी ऑफ सर्व्स से जो हुई थी 1920 में, और जिसके बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर्स में अच्छे से बताया है। ठीक है, तो इस ट्रीटी के बाद यहाँ पे जो है वो टर्की नाखुश था। क्यों? क्योंकि इसने काफी ज्यादा अपनी टेरिटरी को लूज कर दिया था, किसको? ग्रीस को। ठीक है, अब हुआ क्या कि बहुत सारे टर्क्स को लगा कि वो ये आ गए हैं अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ द ग्रीक्स, और इसकी वजह से वहां पे नेशनलिज्म की भावना बढ़ने लगी और मुस्तफा केमल ने फोर्स करा ग्रीस को आउट ऑफ द ऑक्यूपाइड टेरिटरी। जहां पे भी ग्रीस ने ऑक्यूपाई करा वहां से मुस्तफा केमल ने उसे बाहर निकालने की यहाँ पूरी कर दी कोशिश। अब यहाँ बात आती है इटालियन अनहैप्पीनेस की विद द पीस ट्रीटीज। हुआ क्या, इटली भी ना खुश था। किस वजह से? टेरिटोरियल गेन्स जो इसको मिले थे वर्ल्ड वॉर वन के बाद, उससे इसको प्रॉमिस करा गया था बहुत ज़्यादा कि अगर ये एलीट पावर को ज्वाइन करेगा 1915 में तो इसको बहुत चीज़ें मिलेंगी, बट इटली को उतनी चीज़ें नहीं मिली। तो जब वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जब मसोलिनी आए पावर में 1922 में, तो क्या हुआ कि इटली ने सीज कर दिया फ्यूम को फ्रॉम यूगोस्लाविया, और फिर जो कॉर्फू इंसिडेंस हुआ 1923 में, तो हुआ क्या, कॉर्फू एक आइलैंड था ग्रीस का, और कुछ इटालियन वर्कर्स काम करते थे अंडर द बाउंड्री कमीशन। इन्होंने क्या करा, इसके बाद सेटअप करा रेजोल्यूशन फॉर द टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो कि अल्बेनिया और ग्रीस के बीच में था, एंड ये यहाँ पे वर्क किल्ड। ठीक है, समझिए, फिर समझिए, इटालियन वर्कर्स जिन्होंने जो काम करते थे बाउंड्री कमीशन सेटअप के अंदर फॉर रेजोल्यूशन ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन अल्बेनिया एंड ग्रीस, इनको मार दिया गया। अब क्या हुआ, रिस्पॉन्स में इटली ने बॉम्ब गिराया ग्रीस पे और इसी के साथ ऑक्यूपाई कर लिया इस कॉर्फू को जो कि आइलैंड था ग्रीस का, एंड लेफ्ट इट ओनली आफ्टर ग्रीस पेड कंपनसेशन एज डिमांडेड बाय इटली। तभी छोड़ा जब ग्रीस ने कंपनसेशन दिया जो इटली ने डिमांड किया था। ठीक, तीसरी बात करते हैं, यूएस वॉज डेप्थ टू यूरोप। हुआ सॉरी यूएस वॉर डेप्थ टू यूरोप। हुआ क्या, यूनाइटेड स्टेट्स को फायदा मिला बहुत सारा इस वर्ल्ड वॉर वन के बाद। ठीक है, इसने बहुत सारे आर्म्स को बेचा, एक्सटेंड किया लोन्स को इस एलीट पावर्स को। इसके साथ ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरी बड़ी बड़े जो नेशंस थे दोस्तों, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस यहाँ पे उन्हें कुछ कंसेशन देगा लोन्स पे, बट यूएस ने क्या किया, यूएस ने कंटिन्यू करा डिमांड करना फुल रिपेमेंट, मुझे वापस दो इस वॉर डेब्ट का, मैं कोई कंपनसेशन नहीं दूंगा। फिर चौथी बात आती है कि क्वेश्चंस ऑफ जर्मन रेपरेशंस। दोस्तों ब्रिटेन और फ्रांस काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस में चल रहे थे, इन्हें पैसा लौटाना था यूएस का, एंड साथ में इन्वेस्ट भी करना था पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन के लिए इस वॉर के बाद। दोस्तों जर्मन्स खुद भी बहुत परेशान थे इस वॉर से और एक तरीके का पता लगा रहे थे कि भाई बहुत ही मुश्किल होगा इनके लिए पे करना इन वॉर के डैमेजेस को। इन्होंने एक्सपेक्ट करा एक लीनियंट ट्रीटमेंट और एक कंसिडरेशन इनके अमाउंट के ऊपर जो इनको पे करना था। ब्रिटेन तो फेवर में था कि ठीक है, जो पेमेंट के टर्म्स हैं उसे इजी बनाया जाए, क्योंकि इससे जर्मनी की इकोनॉमी जल्दी रिकवर कर पाएगी और एक्चुअली ये कैपेबल हो पाएगी पे करने के लिए इस वॉर के रेपरेशंस को।
साथ में एक प्रॉस्पेरस जर्मनी भी एक अच्छा एक्सपोर्ट मार्केट बनेगा इस ब्रिटिश के गुड्स के लिए। दूसरी तरफ फ्रांस तो अपनी चीजों पे अड़ा था और चाहता था कि जर्मनी पूरा रेपरेशंस दे। इसके रीजंस थे, दो रीजंस ये थे कि पहली चीज तो ये फ्रेंच का तरीका था कि जर्मन की इकोनॉमिक कमजोर रहे ताकि फ्यूचर में इनको कोई खतरा ना हो, और दूसरा कि फ्रांस एक्चुअली डिपेंडेंट था जर्मन रेपरेशंस पे टू पे बैक हिज लोन जो कि उसने यूएस से ले रखे थे। लास्ट में चीज आती है रशियन सिविल वॉर की। दोस्तों जब यहाँ पे बोल्शेविक पावर में आए तो इन्होंने कोशिश करी कि एक्सपोर्ट करते हैं कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को बाकी सारे वर्ल्ड में बाय सेंडिंग देयर एजेंट्स टू सपोर्ट द कम्युनिस्ट इन अदर कंट्रीज। तो इससे रशिया को क्या मिला? इससे रशिया को हॉस्टिलिटी मिली ज्यादातर कंट्रीज की जहां पर डेमोक्रेटिक रिजाइम था। दोस्तों रशिया के अंदर लेनिन ने डिस्कवर करा असेंबली फॉर्म थ्रू द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आफ्टर द रेवोल्यूशन एंड इसने एक्सेप्ट करी पावर को बाय एस्टैब्लिशिंग अ कम्युनिस्ट रिजाइम, जो आज कम्युनिस्ट कंट्री कहते हो ना। तो ये एक मेजर कॉज बन गया था रिसेंटमेंट का अमंग अदर ग्रुप्स, एंड साथ में जो चाहते थे डेमोक्रेसी तो उनके लिए दिक्कत हो गई। वेस्ट के नेशंस और जापान ने अपनी फोर्सेस को भेजा लड़ने के लिए बोल्शेविक में इन द रशियन सिविल वॉर, जिसे लड़ा जा रहा था बोल्शेविक और दूसरे ग्रुप्स जिन्हें हम लोग वाइट्स कहते हैं उनके बीच में। दोस्तों कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन फेल हो गया रेस्ट ऑफ द यूरोप में, बट ये सक्सेसफुल देखने को मिला रशिया के अंदर एज वहाँ पे बोल्शेविक की जीत हो गई थी सिविल वॉर में, आपका जो 1918 से 1920 तक चली थी। अब चीजों को और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे होता क्या है कि भाई अटेम्प्ट्स क्या लिए गए आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन इम्प्रूव करने के लिए इस इंटरनेशनल रिलेशन को। दोस्तों लीग ऑफ नेशंस के बारे में तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है, इसे सेटअप किया गया था 1920 में प्रिजर्व करने के लिए वर्ल्ड की पीस को एक रेजोल्यूशन के माध्यम से डिस्प्यूट्स के थ्रू नेगोशिएशंस। प्रिंसिपल जो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का था इसमें था यूज मिलिट्री का और इकोनॉमिक सैंक्शन का ये एंटेल करना अगेंस्ट एन अग्रेसर नेशन, और इट वॉज ओनली सक्सेसफुल। ये क्या हो पाया? ये सिर्फ डिस्प्यूट्स में सक्सेसफुल हो पाया जो छोटे छोटे थे, एंड अग्रेशन जो मेजर पावर के द्वारा किया जा रहा था इसे ये चेक नहीं कर पाया। दूसरी बात आती है एंग्लो रशियन ट्रीटी 1921 की। दोस्तों आफ्टर द रशियन सिविल वॉर जो कि 1918 से 20 तक चली, यहाँ पे ऐसा माहौल बन गया था रिकंसिलेशन का बिटवीन द ब्रिटेन एंड द रशिया। दोस्तों कम्युनिस्ट जो रेवोल्यूशन था वो फेल कर गया रेस्ट ऑफ द यूरोप में, और वेस्टर्न पावर्स भी फेल कर गए डिफीट करने को लेके बोल्शेविक को रशियन सिविल वॉर में, और रशिया एग्जॉस्ट हो गया एकदम फ्रॉम द सिविल वॉर, एंड अब इसकी इच्छा थी इन्वेस्टमेंट की और रिकंसिलेशन की ब्रिटिश के साथ में। फिर बात आई वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस हुआ 1921-22 का। दोस्तों वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस वो किया गया बाय द यूएस चेक करने के लिए इंक्रीजिंग जापानीज की इन्फ्लुएंस, एंड इसने सीज करा कियाचो को, यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, कियाचो को सीज कर लिया, ये जो आइलैंड था, और शांतुंग प्रोविंस को भी चाइना की। इसने ऑक्यूपाई करा सारे ही जर्मन पैसिफिक आइलैंड, और इसलिए वर्ल्ड वॉर वन के बाद जापान निकल के आया एक राइवल के तौर पे यूएस का पैसिफिक में, और इसने डेवलप करा एक स्ट्रॉन्ग नेवी को विच कुड हैव थ्रेटन्ड द यूएस इंटरेस्ट। थ्रू वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस यूएस चाहता था प्रिवेंट करना इस वॉर को एंड नेवल रेस को जापान के साथ। इस वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस के बाद इसने अग्री करा कि जो जापान है वो विड्रॉ कर ले फ्रॉम द कियाचो आइलैंड एंड शांतुंग प्रोविंस ऑफ चाइना। बदले में जापान को अलाउ करा गया कि आप रिटेन कर सकते हैं जर्मन पैसिफिक आइलैंड्स को। साथ में ब्रिटिश, फ्रांस और यूएस ने अग्री करा नॉट टू बिल्ड अ नेवल बेस विद इन द स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ जापान। दोस्तों न्यूट्रैलिटी जो चाइना की थी उसे गारंटी करा गया बाय यूएस और जापान, ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा। साथ में सारी पावर्स ने ये भी अग्री करा कि वो एक दूसरे के पोजेशंस को
ये रिस्पेक्ट करेंगी इन द फार ईस्ट। अग्रीमेंट ने लिमिट लगा दी नेवल फ्लीट ऑफ यूएस के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, जापान के ऊपर, जिनकी जो नेवी थी वो रेशियो में थी 5:5:3 के, दैट इज जापान की जो नेवी थी वो 3/5 थी साइज में यूएस और ब्रिटेन के। अब आप बोलेंगे मैम इम्पैक्ट क्या पड़ा इस वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस का? तो दोस्तों जापान इमर्ज होकर आया एक सुप्रीम पावर के तौर पे पैसिफिक में, क्यों? क्योंकि ऑल दो जो साइज था इसकी नेवी का वो तो 3/5 ही था, 3/5 था ब्रिटेन और यूएस की, और जापानीज नेवी वो कॉन्सेंट्रेटेड थी पैसिफिक में, वाइल नेवीज जो कि ब्रिटेन की और यूएस की थी वो पूरे ओशंस में फैली हुई थी। जब यूएस ने रिफ्यूज कर दिया इंटरवेन करना अगेंस्ट जापान, जब जापान ने इन्वेट करा था चाइना को इन द 1930s, तो ब्रिटिश और फ्रांस ने भी कोई खास कदम नहीं उठाया, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि यूएस के बिना इनको बहुत भारी घाटा हो जाएगा अगर ये इन्वॉल्व करते हैं वॉर में जापान के साथ। फिर आई बात जिनेवा कॉन्फ्रेंस की 1922 की। दोस्तों इसको बुलाया गया ब्रिटेन के द्वारा सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स को, जैसे कि फ्रांस जर्मनी की हॉस्टैलिटी, वॉर का डेप्थ यूएस के साथ। तो फ्रांस जर्मनी की हॉस्टैलिटी बताएं तो जर्मनी ये वॉर थ्रेटनिंग, ये डरा रहा था टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ वॉर, ये कह रहा था भाई मैं जो पेमेंट ऑफ वॉर ऑफ रेपरेशन है फ्रांस को नहीं दूंगा। वॉर डेप्थ टू यूएस मतलब यूएस ने यहाँ डोल आउट करा लोन्स को टू द एलीट पावर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन, एंड चूंकि इकोनॉमी काफी कमजोर हो गई थी आफ्टर द वॉर, ब्रिटेन और फ्रांस यहाँ पे इसे मुश्किल पा रहे थे कि वो कैसे ये पैसा लौटाए दोस्तों। और तीसरी बात कि ब्रिटिश चाहता था इस्टेब्लिश करना एक डिप्लोमेटिक टाइज को रशिया के साथ में। अब आप कहेंगे मैम इसका क्या रिजल्ट निकला? दोस्तों रिजल्ट ये निकला कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस फेल कर गया रिजॉल्व करना ये सारी प्रॉब्लम्स को, क्यों? क्योंकि फ्रेंच ने डिमांड करा था फुल रेपरेशंस जर्मनी की तरफ से, साथ में यूएस ने रिफ्यूज कर दिया कि हम सारी अटेंड नहीं करेंगे ये कॉन्फ्रेंस को, और डिमांड किया कि हमें फुल पेमेंट दो सारे ही लोन्स का। साथ में जर्मनी ने विड्रॉ कर लिया कॉन्फ्रेंस से ड्यू टू लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो फ्रांस ने दिखाई है इस वॉर रेपरेशंस के सवाल पे। साथ में रशियंस ने भी इस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया क्योंकि ब्रिटेन ने डिमांड किया था कि बोल्शेविक यहाँ पे करे वॉर डेप्थ का, जिसे सिजारिस रिजाइम के द्वारा इनकर किया गया है, खर्चा किया गया है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन। तो आप कहेंगे मैम इम्पैक्ट क्या रहा है इस जिनेवा कॉन्फ्रेंस का? ये देख लिया आपने रिजल्ट, मैंने यहाँ पे यहाँ डाल दिया, तो आपको जब मैं पीडीएफ दूंगी तो आपको मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैम इम्पैक्ट क्या रहा इस जिनेवा कॉन्फ्रेंस का? दोस्तों जर्मनी और रशिया ने एक सेपरेट एग्रीमेंट को साइन किया, नाम था रपालो अग्रीमेंट 1922 का, थ्रू विच इन्होंने कैंसिल कर दिया किसी भी वॉर रेपरेशंस को जो इन्होंने किया था, मतलब दे हैड जो इन दोनों को एक दूसरे को देने होंगे, समझे? जर्मनी रशिया ने एक सेपरेट एग्रीमेंट साइन किया रपालो अग्रीमेंट 1922 का, जिसके माध्यम से इन्होंने कोई भी वॉर रेपरेशंस जो है जो देने थे एक दूसरे को वो सब कैंसिल कर दिए। इसके साथ फ्रांस ने ऑक्यूपाई करा रूर को 1923 में, और जो भी गुड्स थे उसे सीज कर लिया करीब 40 मिलियन पाउंड्स के। थ्रू द ऑक्यूपेशन ऑफ रूर, एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया जो था, फ्रांस ने फर्दर चाहा कि हम जर्मनी को फोर्स करें कि अब वो वॉर रेपरेशंस हमें वापस थे। जर्मन्स जो रूर में थे इन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस के तौर पर रिस्पॉन्ड किया, रोक दिया सारे ही काम इंडस्ट्रीज के अंदर, और ये ना ही सिर्फ किया गया, फ्रेंच ऑक्यूपेशन को एक फेलियर बना दिया इसने, बस साथ में जर्मन की इकोनॉमी भी काफी इम्पैक्ट पड़ी। अब चूंकि सप्लाई नहीं आ पाई गुड्स की, तो यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में इन्फ्लेशन बढ़ गया जर्मनी में, और जर्मन फ्रैंक यहाँ पे डेप्रिशिएट हो गया, इसका मतलब लिटरली ये वैल्यू लेस हो गया था। उसके साथ यहाँ पे डॉन्स प्लान भी आता है। दोस्तों ये प्लान था 1924 का। इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ, इस प्लान का एम ये था कि हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को इस फ्रेंच ऑक्यूपेशन की रूर के अंदर, एंड कॉन्सिक्वेंट जो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और इतनी भयानक जो डेप्रिसिएशन हो रहा है जर्मन फ्रैंक का, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे डॉन्स प्लान के द्वारा। दोस्तों यूएस ने यहाँ पे लीड लिया यहाँ, एंड इस डेविस कह लीजिए ना, DAWES, ठीक है, इस प्लान के अंदर
ये अग्री करा गया कि जर्मन यहाँ पे पे करेगा एनुअली जो भी वो अफोर्ड कर सकता है, एंड उसके बाद ये प्रॉस्पेरस बनेगा। जैसे जब तक के लिए वो प्रॉस्पेरस नहीं बन जाता तब तक के लिए जो भी अफोर्ड कर सकती है जर्मनी वो देती है, ठीक है। बट यहाँ पे कोई भी जर्मनी के अंदर कोई भी अमाउंट का डिक्रीज नहीं करा गया जो उसको पे करना था। जर्मनी को भी यहाँ देखा जाए तो इसको यूएस का लोन मिला अपनी इकोनॉमी को वापस से रीबिल्ड करने के लिए। साथ में फ्रांस ने अग्री करा कि वो रूर से बाहर आ जाएगा, और डेविस प्लान जो था वो सक्सेसफुल रहा और जर्मन की जो इकोनॉमी थी वो रिकवर करना शुरू हो गई बिकॉज ऑफ द यूएस लोन्स। दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन इम्प्रूव हो गए आफ्टर द डेविस प्लान, एंड इसकी वजह से यहाँ पे इसने रखा ग्राउंड फॉर लोकार्नो ट्रीटीज ऑफ 1925। तो अब आप बोलेंगे कि मैम ये लोकार्नो ट्रीटीज 1925 के क्या हैं? दोस्तों मेन प्लेयर्स जो इन्वॉल्व थे यहाँ पे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कुछ छोटे छोटे प्लेयर्स जैसे कि पोलैंड, बेल्जियम और चेकोस्लोवाकिया। ये ट्रीटीज जो थी वो देखी जाती हैं एज द डॉन ऑफ द न्यू एरा, जिसमें शांति हो, फ्रेंडशिप हो यूरोप के अंदर। इस लोकार्नो ट्रीटीज के अंदर जो सिग्नेटरी नेशंस थे उन्होंने अग्री करा कि हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे फ्रंटियर्स को, जिसे पीस ट्रीटीज के द्वारा सेटअप किया गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। इसका मतलब कि नेशंस ने प्रॉमिस करा कि हम एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे, और अगर एक नेशन अटैक करता है तब बाकी सारे नेशंस उसको बचाने आएंगे विक्टिम को अगेंस्ट द अग्रेसर। जर्मनी ने रीअफर्म किया कि अपना रखेगा कंटिन्यू करना टू कीप राइनलैंड डीमिलिटराइज रखेगा, जैसा कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ने कहा था। तो आप कहेंगे कि मैम इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसका भी तो कोई इम्पैक्ट पड़ा होगा ना इस लोकार्नो ट्रीटी का। दोस्तों ट्रीटीज को सेलिब्रेट करा गया यूरोप के अंदर एज लोकार्नो स्पिरिट या लोकार्नो हनीमून के बीच में बिटवीन द फ्रांस एंड जर्मनी। जर्मनी को अलाउ करा गया कि वो लीग ऑफ नेशंस में आए 1926 में, एंड साथ में यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी यूरोप के अंदर साथ में माहौल फ्रेंडशिप का हुआ। स्ट्रेसेस मैन जर्मनी के अंदर और ब्रायंट फ्रांस के अंदर एंड चैम्बरलिन ब्रिटेन के अंदर ये फ्रीक्वेंटली मिले टिल 1929। दोस्तों कुछ वीकनेसेस भी होती हैं, तो कमजोरी ये रही कि ब्रिटेन और जर्मनी ने गारंटी नहीं करा जर्मन फ्रंटियर्स को विद पोलैंड एंड चेकोस्लोवाकिया, और एरिया जो था वो अभी भी मैक्सिमम ट्रबल के लिए प्रोन था। इसको इग्नोर करके इस प्रॉब्लम को ब्रिटेन ने एक इम्प्रेशन ये दिया कि इंटरफेयर नहीं करेगा अगर जर्मनी अटैक कर दे पोलैंड पे और चेकोस्लोवाकिया पे। साथ में लोकार्नो स्पिरिट एक इल्यूजन थी क्योंकि इतना डिपेंड होना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे थी विच व्हेन इवेपोरेटेड इन 1929, तो ओल्ड पुरानी हॉस्टेलिटीज फिर आई। अच्छा नेक्स्ट एक और बात है इसके बाद, वो है अपनी केलॉग ब्रियार्ड पैक, है ना। मैं देख लेती हूँ अगर शायद आगे उसमें, यहाँ पे मैंने देखा था अभी कुछ, देर वॉज समथिंग रिटन। हाँ ये देख रहे जी आप, ठीक है ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है केलॉग ब्रियार्ड पैक 1928 का। दोस्तों ये यूएस था, ये यूएस लेड इनिशिएटिव था, एंड ज्वाइन करा गया इसमें 65 नेशंस के द्वारा जिन्होंने अग्रीमेंट को साइन करा और वॉर को छोड़ने की बात करी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा, इसका मतलब ये नहीं था, मतलब कुछ खास नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सैंक्शन का मेंशन ही नहीं किया गया था अगर कोई अग्रेसर होता है या कोई आगे वॉर लाता है तो। जापान ने साइन करा पैक्ट को बट जल्द ही अटैक कर दिया मंचूरिया को 1931 में, तो क्या ही फायदा ऐसे पैक्ट को साइन करने का। और लास्ट में मैं यंग प्लान 1929 के बारे में बताना चाहती हूँ। इसका एम दोस्तों ये था सेटल करना क्वेश्चन जर्मन रेपरेशंस का। इस प्लान के हिसाब से टोटल अमाउंट जो दिया जाता वो डिक्रीज कर दिया गया 2000 मिलियन पाउंड्स पे, जो कि पहले फिगर 6600 मिलियन पाउंड्स थी। साथ में जो नया अग्रीड अमाउंट था उसे 59 ईयर्स में पे करना था। रीजन इस यंग प्लान का पायलट करा गया था यूएस के द्वारा, वो चाहता था कि भाई डेविस प्लान हैड लेफ्ट द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय जर्मनी अनचेंज। डेविस प्लान में तो जर्मनी को पूरा पैसे देना था और जर्मनी चाहता था कि अमाउंट मेरा कम हो जाए। साथ में फ्रांस भी बहुत रेडी था नेगोशिएट करने के लिए ड्यू टू लोकार्नो स्पिरिट। तो ये हमने यंग प्लान की भी बात करी। अब
जो इवेंट्स रहे 1929 के बाद उसके बारे में आपको बताती हूँ। दोस्तों ये साल 1929 का एक टर्निंग पॉइंट रहा इतिहास के अंदर पूरे ही विश्व के, एंड आफ्टर 1929 यूरोप ने शुरू कर दिया ड्रिफ्ट करना टूवर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दोस्तों लुकार्नो स्पिरिट खत्म हो गए, कुछ इवेंट्स जो कि हुए थे आफ्टर द 1929, दैट इज डेथ हो गई थी जब स्पेसिमैन की 1929 में, वॉल ऑफ स्ट्रीट क्रैश हुआ 1929 में, एंड हिटलर की पावर बढ़ने लग गई थी यहाँ पे 1933 में, है ना, ये चांसलर बन गया था। तो आई बात इकोनॉमिक क्राइसिस 1929 की। दोस्तों इकोनॉमिक क्राइसिस ही जो 1929 की थी, इसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था जर्मनी के अंदर। बाय 1932 यहाँ पे 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे जर्मनी में। इसकी वजह से यहाँ पे नाजीज की ग्रोथ बढ़ी और वीमर रिपब्लिक यहाँ पे गिरने लगा। जैसे जैसे नाजीज बढ़े, फ्रेंच का एटीट्यूड जो जर्मनी की तरफ था वो और सख्त हो गया, एज नाजीज एक एक्सट्रीम नेशनलिस्ट प्रोपोगंडा लेके चले आए थे। ये चाहते थे कि सारे जर्मन एरियाज आ जाएं इनटू द रीच। आइए आगे लेके चलते हैं। फिर आया आपका लॉसिने कॉन्फ्रेंस 1932 की। दोस्तों यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस ने फ्री कर दिया जर्मनी को ज़्यादातर जो बचा हुआ आपका रेपरेशंस था वॉर का उसे देने से। और ये किस लिए किया गया, क्यों? क्योंकि बिकॉज ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन यहाँ पे 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे जर्मन्स में बाय 1932। फिर आई वर्ल्ड डिसआर्ममेंट कॉन्फ्रेंस की बात। दोस्तों ये कॉन्फ्रेंस हुई 1932-33 में, और अंडर लीग कन्वेनेंट, ये जो लीग के रूल्स थे ना, ये सारे मेंबर्स ने अग्री करा कि हम अपने आर्मामेंट को कम कर देंगे, बट सिर्फ जर्मनी को ही कहा कि आप अपने आप को पूरी तरह से डिसआर्म कर दो फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस। जर्मनी ने डिमांड करा कि इधर हम सारे के सारे डिसआर्म करें या फिर ये अलाउ करें टू एटलीस्ट हैव पैरिटी तो हो विद फ्रांस इन टर्म्स ऑफ आर्मामेंट। दोस्तों ब्रिटेन और इटली ने सिंपथाइज करा जर्मनी के साथ, और फाइनली जब फ्रेंच ने नहीं कुछ ऐसा करा आगे, तो हिटलर ने जर्मनी को विड्रॉ कर लिया आउट ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड साथ में लीग ऑफ नेशंस से भी 1933 तक। तो ये पूरी कहानी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रांस जर्मनी रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों कैसा लगा आपको लेक्चर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरे काम में मेरे को सपोर्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये वीडियोस यहाँ पे फेसबुक में मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम को मेरे जाके आप क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हो, और टेलीग्राम पे मेरे पीडीएफ को पा सकते हो। थैंक यू सो मच। ऑल द लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जय हिंद, जय भारत।